307 के दो केसेस हैं, पुलिस पर फायरिंग का एक केस है और आर्मशॉट के चार केसेस हैं। सिमिलरली फुरकान पे चार केसेस हैं जिसमें से रॉबरी और 307 का एक केस है, पुलिस पार्टी पे फायरिंग का एक केस है और आर्मशॉट के दो केसेस हैं। आपको अगर याद हो तो इसी साल 9 अक्टूबर को स्पेशल सेल एनआर की एक टीम थी जिसने टिकरी गेट टिकरी रोड दिल्ली में एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था दो क्रिमिनल्स सैदुल्ला और नसीम के साथ, गाड़ी पे थे दोनों और उसमें करीबन 65 पिस्टल्स और 40 मैगजीन्स बरामद हुई थी। सब्सिक्वेंट टू दिस एक्सचेंज ऑफ फायर जो टीम मेरठ गई थी फर्दर रिकवरी के लिए, तो मेरठ में फुरकान जो अभी पकड़ा गया इसके घर से 19 पिस्टल और रॉ मटेरियल मिला था। इस पूरी कार्रवाई में उस वक्त फुरकान मौके से भाग गया था, वहाँ व्यू वगैरह इकट्ठी हुई थी और फुरकान मौके का फायदा उठा के भाग गया था। तो एक मेरठ का नसीम आदमी गिरफ्तार हुआ था और चार मुंगेर के लोग गिरफ्तार हुए थे। तो ये बड़े मैसिव तरीके से बड़े लेवल पे पिस्टल्स और इलीगल वेपन्स बना रहे थे। उसी कड़ी में ये इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई थी और ये दोनों वांटेड थे जिस पे कल इंस्पेक्टर शेखवा की टीम ने कर दिया। बेसिकली माना गया कि आर्म्स ट्रेडर थे ज़्यादातर, हाल फिलहाल में इनका काम जो है वो आर्म्स का था, पर जैसा मैंने बताया कि ये रॉबरी एक्सटॉर्शन उस तरह के केसेस में भी इन्वॉल्व है। 307 के केसेस में कब से कर रहे थे, जो कितना टाइम हो गया था? ये काफ़ी साल से कर रहे थे, जैसे फुरकान 45 साल का है और समीर 25 साल का है, और ये पिछले कई सालों से इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त। सर इन पर कब से इनाम घोषित था? इन पर अभी रिसेंटली इनाम घोषित किया, जैसे मैंने बताया कि 9 अक्टूबर को जब फायरिंग हुई थी पुलिस पार्टी पे और उसमें ये पता चला था कि उस आर्म्स नेटवर्क का मेजर सरगना जो है वो फुरकान था जिसके घर पे ये बनाया जा रहा था, और समीर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था और साथ में खुद भी एक शातिर अपराधी। ये कहाँ से लाते थे पर मटेरियल वगैरह? इन्होंने क्रिमिनल्स जो अपने कारीगर हैं उन्होंने वहाँ से बुलाए हुए थे मुंगेर से। जैसे पीछे आप लोगों से एक बार रूबरू हुए थे तो आपको बता रहे थे कि एक मोडस ऑपरेंडी रिसेंटली ये भी हुई है कि इन्हें पता चला कि ट्रांजिट में कई लोग कई बार पकड़े जाते हैं। जब ये ट्रांजिट में आते हैं तो स्टेट की पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सारी पुलिस उनको पकड़ लेती हैं। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक रिसेंटली पिछले 2-3 साल से एक नया एमओ अपनाया है कि जो कारीगर हैं वो मुंगेर से आ जाते हैं और मेरठ में या आसपास के किसी एरिया में वहीं पर फैक्ट्री लगा देते हैं। रॉ मटेरियल तकरीबन इनका जो होता है वो लोकली अवेलेबल हो जाता है।